मुल्क भर में मौलिक कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5988 हो गई, जबकि 107 अफराद इस मौलिक बीमारी से जान बहक हो चुके हैं। वफाकी वजारत सेहत के नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जारी अदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3280 मुश्तबा मरीजों के टेस्ट हुए, जिनमें से 272 में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुल्क भर में मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5988 हो गई। अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पंजाब में है, जहां मरीजों की तादाद 2945 है। सिंध में 1518, खैबर पख्तूनख्वा में 865, बलूचिस्तान में 240, गिलगित बल्तिस्तान में 234, इस्लामाबाद में 140 और आजाद कश्मीर में 46 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अगले 2 हफ्ते लॉकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अगले 2 हफ्ते लॉकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान करते हुए कहा कि कोई तो वजह है कि वफाकी हुकूमत ने 14 दिन लॉकडाउन बढ़ाया है, जबकि लॉकडाउन खोलने नहीं इसे मजीद सख्त करने की बात हुई है। सिंध असेंबली ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमारे पास टेस्टिंग किट्स आ गई हैं, तो हम टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाएंगे। 500 टेस्ट कर रहे हैं तो 50 मरीज सामने आ रहे हैं। सूबे में अमराद की तादाद 2.4% है, जबकि 560 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। तहम अगर कोई समझ रहा है कि कोरोना पाकिस्तान में दुनिया से कम है तो गलत है। ऐसा लग रहा है कोरोना केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे। मुल्की तारीख में पहली मरतबा सोने की फी तोला कीमत 1 लाख रुपए से तजावुज कर गई। ऑल कराची सराफ एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बुध को आलमी सराफा मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $31 की गैर मामूली इजाफे से $1,721 हो गई, जिसके हिसाब से मुल्की सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत 700 रुपए के इजाफे से 1,400 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत 600 रुपए इजाफे से 86,076 रुपए हो गई। सिंध में लॉकडाउन में तौसी, मुख्तलिफ कारोबार और सनतों को काम करने की मशरूत इजाजत दे दी गई। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत चंद जरूरी शोबेजात को रिलीफ फराहम किया गया, जबकि इज्तिमात, तफरीहात और दीगर सरगर्मियों पर बदस्तूर पाबंदी आयद रहेगी। महकमा दाखला सिंध की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ सनतों, मजदूरों की कॉलोनी के हामिल, बड़े पैदावारी पॉइंट्स, मुतादिद दुकानों, ऑनलाइन कारोबार और करियर कंपनियों को काम करने की इजाज़त दे दी गई है। धोबी, हजाम, मैकेनिक, दर्जी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, किताब शॉप्स, रेहड़ी बान एसओपीज के तहत मशरूत कारोबार कर सकेंगी। तामीराती सनतें महदूद तौर पर, जबकि बरामदी सनतों को ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तस्दीक और अंडरटेकिंग के बाद काम की इजाज़त होगी। बड़ी सनतें जिनके मजदूर कॉलोनी हदूद के अंदर हैं, इन्हें मुआयने के बाद काम की इजाज़त होगी। तमाम फैक्ट्रियों को एसओपीज को फॉलो करना होगा। भट्टे, बजरी की क्रशिंग, शीशा इंडस्ट्री के कारखाने खुलेंगे। हर वो फैक्ट्री खुलेगी जिसकी लेबर इसी फैक्ट्री तक महदूद रहेगी। मिठियारी में करंटीना किए गए 16 अफराद भाग निकले, थानेदार मौतिल। न्यू सईदाबाद की जामा मस्जिद में करंटीना की हुई 8 खवातीन फरार, जबकि थानेदार को मौतल कर दिया गया। मिठियारी जिला की तहसील न्यू सईदाबाद की जामा मस्जिद में कोरोना वायरस के शुबे में जिला इंतजामिया ने 1 अप्रैल को सूबह खैबर पख्तूनख्वा से तबलीग के सिलसिले में ठहरे 8 मर्द और अयूब पठान के घर में करंटीना की हुई 8 खवातीन फरार हो गई। इत्तला मिलने पर जिला इंतजामिया में खलबली सी मच गई। तमाम सूबे अपने फैसले करने में आजाद और खुद मुख्तार हैं। वज़ीरे आज़म की मामून खुसूसी बराए इत्तला तो नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान का कहना है कि तमाम सूबे अपने फैसले करने में आजाद और खुद मुख्तार हैं। 18वीं तरमीम सूबों के आईनी इख्तियारात की जामिन है, लिहाजा सिंध हुकूमत सूबे के हालात के मुताबिक जो बेहतर समझे वो फैसले करे। फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा कि लॉकडाउन को कितना बढ़ाना या कम करना है विफाक की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत हम सबकी तरजीह है। विफाक सूबों की तरफ से कोरोना से बचाव के तमाम इकदाम को मजीद मौसर बनाने और तकवियत देने में अपना किरदार और जिम्मेदारी अदा करता रहेगा, जबकि तमाम अकाइयों के अवाम के हकूक का तहफ्फुज यकीनी बनाना और वज़ीर आज़म इमरान खान का नाज़्म-ओ-लैल है।
पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए मुल्क के 6 बड़े एयरपोर्ट खोल दिए गए। दुनिया भर में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापसी के लिए मुल्क के 6 बड़े एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावन खुसूसी बराए कौमी सलामती डिवीजन मोहित यूसुफ का कहना है कि इन एयरपोर्ट को 15 से 18 अप्रैल तक बैरूनी ममालिक पाकिस्तानियों को लाने के लिए खोला गया है, जिन पर सिर्फ बैन अल-अक़वामी परवाज़ें ऑपरेट होंगी। मोहित यूसुफ ने कहा कि बैरूनी मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों की स्क्रीनिंग की जाए और फिर इन्हें एयरपोर्ट और मलेका होटलों में 48 घंटों के लिए करंटीना में रखा जाए। मुल्की बरामदात पर आई टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म कर दी गई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि मुल्की बरामदात पर आई टैक्सेस और ड्यूटीज का पहलू खत्म कर दिया गया है। अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि वजारत तिजारत बरामदी सनद को सहूलत की फराहमी के लिए कोशा है। FBR हुकाम से बरामदी सनद की सहूलत के लिए बातचीत की है। उन्होंने कहा कि लेदर, पोल्ट्री, बिजली के पंखे और दीगर शोबों की बरामदात पर टैक्सेस खत्म करने के हवाले से बात हुई है। मुशीर तिजारत ने तवक्के जाहिर की कि ड्यूटी ड्रॉबैक के उमूर पर नजरसानी की जाएगी और ड्यूटी ड्रॉबैक का निजामे बरामद कुनंदान के लिए आसान बनाया जाएगा। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि लॉकडाउन में नरमी से बरामदात को फरोख मिलेगा। बरामदात के लिए सूबे SOPs को हतमी शक्ल दे रहे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी और पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज पिशावर जलवी के कप्तान जेरेन सेमी ने तमाम पाकिस्तानियों से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की COVID-19 रिलीफ फंड में अपना अपना हिस्सा शामिल करने की अपील की है। डेरेन सेमी ने ट्विटर पर जारी अपने खुसूसी वीडियो पैगाम में कहा, मेरा ये पैगाम पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए है। आपके वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना से जंग लड़ने के लिए रिलीफ फंड का ऐलान किया है, जिसके लिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अवाम का पैसा अमानत समझकर अवाम पर ही खर्च किया जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कोरोना के अलावा भूख से भी लोगों को बचाना है। एहसास प्रोग्राम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर रकम तकसीम कर रहा है। वजीर बहरी उमूर अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। MQM रहनुमा आमिर खान 17 साल बाद कत्ल केस से बरी हो गए।